इसमें कुल मिला के 2361 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी जुकाम बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पूरे प्रशासन की टीम, अपने सारे मेडिकल टीम्स का, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, DTC की टीम जो लोग इसको लेके गए, पुलिस की टीम जिन्होंने वहाँ पूरे मुस्तैदी से काम किया, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 36 घंटे में इतने सारे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो सकते हैं ये जानते हुए भी। इस दौर में सबसे ज़्यादा बहादुरी की इसी की ज़रूरत है। और ये सारे लोगों की लिस्ट बना के इनके सबके फ़ोन नंबर्स लेके पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल इनके सबके नंबर्स की जांच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहाँ हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं। मैं सब लोगों से जो इस आलमी मरकजी पूरे प्रोसेस में यहाँ आए थे मार्च के महीने में, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं तुरंत अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ को सरेंडर करिए, अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले करिए ताकि आपका ठीक से चेकअप हुआ हो सके। आप अगर पुलिस को परेशान करेंगे, अगर आप प्रशासन को परेशान करेंगे और आप खुद आगे नहीं आएंगे, आप अगर बीमार हैं और छुपा के रखेंगे अपने आप को, तो आपके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए।